तो आज के शुभ दिन पर, डॉक्टर्स डे पर, मैं आप सबको शुभकामनाएं देते हुए और हैप्पी डॉक्टर्स डे कहते हुए आज की मीटिंग की शुरुआत करते हैं। मैं वेलकम करता हूं भाई लियाकत सर का। थैंक वेलकम भाई। यू। मैं जान अशोक को अशोक भाई नहीं बोलता, अशोक बोलता हूँ ताकि वो मेरे को सर बनना बंद करे। पर वो क्या, वेलकम भाई, वेलकम। वेल थैंक यू अशोक। परिणीता किस बात बेटा? हाँ सर, मेन एज 44 इयर्स, केस ऑफ रूमेटिज्म। आई हैव जॉइंट पेन सिंस मेनी मंथ्स। पेन किलर्स आई कांट टेक मोर बिकॉज हाउ लॉन्ग शुड आई टेक इट? इट्स नॉट गुड, राइट? ऑल टेस्ट्स कम नॉर्मल। आई हैव ट्राइड मेनी मेडिसिन्स, इवन होम्योपैथी डिडंट हेल्प। माय वाइफ ब्रॉट मी टू यू। वाइफ टोल्ड लास्ट मंथ ही ऑर्डर्ड सम मेडिसिन्स फ्रॉम नेट फॉर 2,500 रुपीज। इट डिडंट हेल्प इन अ वीक, सो ही थ्रू इट इन अ डस्टबिन। ऐसे ही करते हैं, दवाई से फर्क नहीं पड़ा तो इलाज छोड़ देते हैं और सफर करते हैं। डजंट गो टू वर्क, बोलते बोलते क्या करने का काम, चिड़चिड़ करते रहते हैं। इवन ऑन स्मॉल थिंग्स गेट्स एंग्री। पेशेंट ने बोला, क्या करे डॉक्टर, आई फील लाइक वीपिंग मेनी टाइम्स इन पेन। इंसान कितनी आस से इलाज करता है ना, दिस इज द केस। थैंक यू। थैंक यू बेटा। ये केस में शेयर इसलिए किया क्योंकि ये स्टेट हमारे पास बहुत बार लोग नहीं, ये आपके पास आज से आते हैं और फिर डिस्कंटिन्यू कर देते हैं या फिर दवाइयां लेते हैं, जो भी कोशिशें करते हैं लेकिन फर्क नहीं पड़ा तो फिर वो उसको तुरंत बंद कर देते हैं। ये बहुत बार अपने साथ होता है ना? इसलिए मैं बोला कि ये स्टेट को मुझे समझाना है। मैं अशोक को बोला, भाई ये बहुत अच्छा एक चीज है जो मैं शेयर करना चाहता हूँ, उसके साथ में एक बहुत अच्छी रेमेडी भी है जो इसका उसका कुछ ताल्लुक नहीं है हालांकि। इसलिए फिर मैं बोला कि ये मुझे पढ़ाना है। बोलिए, किसी को कुछ बोलना है या फिर मैं बता दूं कि क्या केस था, क्यों मैं दवाई दिया? ठीक है, देखो तो मेरे को ये, मुझे इसमें सबसे मेन चीज जो बतानी थी ना, हम जो कंफ्यूज कर जाते हैं जो रूब्रिक में, जैसे अभी चिड़चिड़ करने लग गए तो हम सीधा इरिटेबिलिटी पेन ड्यूरिंग ले लेते हैं। ये छोटी छोटी बातों पर चिड़चिड़ करने लगे तो हम सीधा इरिटेबिलिटी टिफल्स ले लेते हैं या एंगर ट्रिफल्स ले लेते हैं। तो ये ओवर द पीरियड ऑफ टाइम जब केस चलता है तो ये स्टेट पेशेंट का आ जाता है, पेशेंट चिड़चिड़ करना शुरू कर देता है, पेशेंट को लोगों की बातें पसंद नहीं आती है ना, और पेशेंट क्या करता है कि उसको काम का भी, उसको ये सब चीजों का मतलब नहीं लगता। अब सिर्फ हमको इसमें डिफ्रेंशिएट ये करना है, वी हैव टू डिफरेंशिएट बिटवीन ट्रिफल एंड इजीली। कि ट्रिफल मतलब छोटी 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 बातें जो आपकी रोजमर्रा की है, छोटी बातें मतलब नॉट जरूरी छोटी बातें, पर आपके लिए वो बातें जो रोजमर्रा की है, जैसे फॉर अंबानी टू टेक एनी कॉन्ट्रैक्ट फ्रॉम द गवर्नमेंट, जैसे उसको किसी अंबानी को अगरचे एक एरोप्लेन खरीदना है तो उसके लिए वो बहुत छोटी बात है। तो फॉर हिम इट्स अ ट्रिफल कि यार इसके लिए तुम मेरी सिग्नेचर क्यों ले रहे हो, यू अंडरस्टैंड? तो दैट विल बिकम ट्रिफल फॉर हिम। बट अंबानी किसी को जल्दी एरोप्लेन, अंबानी जल्दी से एरोप्लेन खरीदता है क्या अपने एम्प्लॉय के लिए? नहीं। तो इजीली नहीं है, दो इट इज अ मैटर ऑफ ट्रिफल, इट इज नॉट इजी फॉर हिम टू डू दिस, यू अंडरस्टैंड? तो एक चीज होती है इजिली, इजिली मतलब आप, ये बंदा आसानी से गुस्सा करने लग जाता है, इसको आप इजिली गुस्सा दिला सकते हो। कैसे? हाँ कैसे रहूंगा मैं, ऐसा बोले दर्द में, तो फिर ये इजिली हो गया। ये नहीं कि एंगर क्वेश्चन में तो उधर मत जाओ, है ना? किसी ने पूछा कि कैसे हो भाई आप, क्या चल रहा है, क्या चल रहा है, क्या चलेगा, दर्द है और क्या, ये समझ लो। तो ये जहां पर आप कंफ्यूज करते हैं ना कि एंगर स्पोकन टू बी, एंगर क्वेश्चन वेन, एंगर वेन ऑब्लाइज टू आंसर, बहुत फेमस है एओटा, एंगर वेन ऑब्लाइज टू आंसर। तो ये थोड़ा सा समझो आप, यहाँ पर है एंगर इजीली, समझ गए ना? कि ये इजीली इसको आसानी से कोई भी गुस्सा दिला सकता है, ठीक है? ये एक स्टेप। दूसरा,
आपको डिफ्रेंशिएट करते आना है चीजों में कि अब ये क्रॉनिक चीज है तो इसके अंदर हमको ओवर द पीरियड ऑफ टाइम चलते आने वाली जो स्टेट है कंटिन्यूअसली, क्या है इस बंदे का मोडस ऑपरेंडी, क्या है इसका, क्या स्टेट है इसका, क्या स्टाइल है काम करने का, इसका क्या स्टाइल है बीमारी की तरफ देखने का, इसका क्या स्टाइल है इलाज की तरफ देखने का, ये कि ये इलाज लेता है फर्क नहीं पड़ने पर छोड़ देता है, काम धंधा जाना बंद कर देता है, ये उसकी दो स्टेट कंटिन्यूस चल रही, मतलब ये इनडिफरेंट हो गया अभी बिजनेस की तरफ, और ये दवाई लेता है लेकिन उसने बताया कितने अच्छे से कि आई हैव ट्राइड मेनी मेडिसिन आई फील लाइक वीपिंग, व्हाट ही सेड, क्या करे डॉक्टर आई फील लाइक वीपिंग मेनी टाइम्स इन पेन, इंसान कितनी आस से इलाज करता है ना, सही बात है ना, तो जब आस का आपका आ जाता है ना, जब आप किसी आस आस जो ये चीज होती ना तो उसमें हर जगह पे होप मत लो, आप हर जगह पे लाइफ डिजायर मत लो कि डॉक्टर साहब बड़ी आस से आपके पास आया हो, सीधा लाइफ डिजायर बहुत दूर से आपके पास आए बड़ी आस लेकर आया हो आपके पास, तो सीधा लाइफ डिजायर में मत जाओ, इट कैन बिकम डिसअपॉइंटमेंट ऑल्सो, नॉट नेसेसरीली इट इज लाइफ डिजायर, क्योंकि हम लोग माइंड वालों का क्या प्रॉब्लम है ना कि लाइट डिजायर वी यूज सो लाइटली दैट वी हैव मेड द रूबिक सो लाइट दैट इट हैज बिकम एब्सोल्युटली ऑफ नो वेटेज, यू अंडरस्टैंड, ये लाइट डिजायर से भी बचना है हमको बहुत बार कि पेशेंट लाइट होना चाहता है, अरे कौन नहीं चाहेगा कि सर थोड़ा तो आराम मिले, 10 साल से तकलीफ सहन कर रहा हूं, तो अब सीधा लाइट डिजायर पे मत जाओ, ये कॉमन हो जाए, तो इसीलिए ये बंदा आग से जाता है, इसका डॉक्टर के पास जाने का जो तरीका है ना, चलो सर अभी मैं ये भी कोशिश करके देखता हूँ, ऐसा नहीं है, ये बोलता है कि इंसान कितनी आग से दवाई खरीदता है, इस बात को आप समझो, उसने जो बताया ना कि इंसान कितनी आग से इलाज करता है ना, तो मतलब ये बंदा जो इलाज की तरफ देखता है वो आस, वो एक आशा की तरह देखता है, उसके अंदर उसका जुड़ाव हो जाता है, इमोशनली वो उधर ये हो जाता है, तभी तो बंदा बिजनेस की तरफ नहीं देख रहा है ना, अभी इमोशनल है ना, ये अगर ये प्रैक्टिकल होता तो ये यार चलो ठीक है थोड़ी सी पेन किलर ले रहे हैं चल रहे सर क्या करेंगे अब चलता है थोड़ी किडनी खराब हो जाएगी ब्रायन है जैसा क्या होता है सर अब क्या करें दूसरा तो कोई ऑप्शन है नहीं, फिर रामदेव जी की ले लेता हूँ मैं पेन किलर, उसके कहते हैं कि आयुर्वेद के साइड इफेक्ट होते होंगे लेकिन थोड़े कम होते हैं, समझ रहे हो, तो ये वो वाला नहीं है, चलो सर क्या करना है काम धंधा में डिजाइन बड़े रहेगा, तो ये इंडिफरेंस टू बिजनेस अफेयर्स एंड क्या लिया था हमने इंडिफरेंस डिसअपॉइंटमेंट आफ्टर आफ्टर डिसअपॉइंटमेंट, हाँ रिमेम्बर दिस थिंग, पहले ये उसमें जाता है वो रिश्ते में ये जाता है और जब डिसअपॉइंट हो जाता तब इंडिफरेंट हो जाता है सब चीज, और लेजीनेस डिसअपॉइंटमेंट आफ्टर, जैसे मैं अभी भी एक्सप्लेन किया कि लेजीनेस डिसअपॉइंटमेंट में क्या हो जाता है ना, आप लोगों को देखा होगा ओवर द पीरियड ऑफ, अगर आप देखोगे खास करके प्री थायराइड स्टेट या हाइपोथायराइड की बिगनिंग या प्री डायबिटिक स्टेट या डायबिटीज एकदम मार्जिनल डायबिटीज किसी बंदे को है और वो आपके पास आ रहा है, या फिर थोड़ा प्री मेनोपॉजल है या प्री मेनोपॉज, फिर वैसे बोलना मुश्किल हो जाता है क्योंकि कोई लेडीज में 45 में आ जाता है, कोई फीमेल्स में, किसी में 50 में मेनोपॉज आता है, तो अपन इसको नहीं इसीलिए बोलता ना कि सर प्री मेनोपॉज में तो ये कॉमन हो जाएगा, प्री डायबिटिक में तो कॉमन हो जाएगा, सब क्लिनिकल थायराइड में तो ये लेजीनेस कॉमन हो जाएगा, लेकिन ये बंदा डायबिटिक, क्योंकि डायबिटीज इज नॉट अ डिसीज इट इज अ सिंड्रोम, अगेन थायराइड इज नॉट अ डिसीज, सो इट इज द हाइपो फंक्शन ऑफ द एंडोक्राइन ग्लैंड, इट इज नॉट अ डिसीज, अगेन आई एम टेलिंग यू इट इज नॉट अ डिसीज, प्लीज रिमेंबर इट इज नॉट अ डिसीज, इट इज अ स्टेट, इट्स अ कंडीशन, प्लीज रिमेंबर, ओके, प्री डायबिटिक मेनोपॉज इज नॉट अ डिसीज इट इज अ स्टेट, प्लीज रिमेंबर, ओके, दीज आर द मेटाबॉलिक स्टेट्स एक्चुअली, मेनोपॉज इज नॉट अ डिसीज, मेनोपॉज इज अ स्टेट, डायबिटीज इज नॉट अ डिसीज, इट इज बिकॉज ऑफ योर इम्पेयर्ड मेटाबॉलिज्म दैट यू आर गोइंग इन डायबिटीज, ओके, यू आर गोइंग टू हैव वैरायटी ऑफ थिंग्स, यू आर गोइंग टू हैव डायबिटिक नेफ्रोपैथी रेटिनोपैथी व्हाटएवर, ओके, सो इट इज नॉट अ डिसीज, प्लीज डू नॉट कंफ्यूज दैट विद डिसीज, तो इसमें बंदा लेजी हो जाता है, लेकिन लेजी होने के पहले वाली स्टेट में क्या था कि नक्सोमी का भी मैं बताया जैसे कि काम करता है, आगे लेके चलना है मुझे, मेरी फैमिली को लेकर चलना है, मुझे आगे बढ़ना है,
उसके साथ साथ वो किसी को ले लेगा, भांजा भतीजा छोटा भाई इनको लेकर चलेगा, लक्ष्मी का उनकी मदद लेगा, आगे बढ़ेगा, उनको भी आगे बढ़ाएगा। लेकिन क्या हो जाता है ना, ये जो साथ में होते हैं ना, मेरे मेरा एक तजुर्बा है कि जैसे जैसे आप बढ़ने लगते हो ना, आपको लोग जुड़ने लग जाते हैं। लेकिन बहुत से लोग आपको जुड़ते हैं आपके मतलब के लिए जुड़ते हैं। अशोक को हमको तजुर्बा आ चुका है कि हम जब बढ़ रहे तो हमको बहुत लोग जुड़ने लगे, और बहुत लोग जुड़ के फिर बाद में फायदा लेके फिर बाजू भी हो जाते, अपनी अपनी चालू कर देते। लेकिन वो चालू करने से हमको कुछ प्रॉब्लम नहीं है, चालू करते हुए हमारी बंदा भी शुरू करते हैं। क्या अशोक बर्मन है ना, अरुण अशोक हमको ये तजुर्बे बहुत आ चुके हैं तभी तो हम लोग का इतना दिल से लगाव है समझे ना। तो ये जब आपके पास आएंगे तो आपसे मतलब लेंगे, लेकिन हमको लगता है कि हमको आगे बढ़ना है, हम ले रहे, हम सबको लेकर चलेंगे। तो कई लोग फैमिली में एक स्टेट में रहते हैं, उनको बिजनेस की कोई स्टाइल मिल जाती, एक टैक्टिक मिल जाती, एक मिशन मिल जाता है कि आगे बढ़ना है, तो आगे बढ़ते हैं। और फिर जब ये लोग छोड़ के जाते हैं, हम लोग ये सोचते हैं कि हमारे बाद ये बच्चे आगे बढ़ेंगे, ये हमको दुख दुख सुख दुख में पूछेंगे। हम ये नहीं बोलते कि भैया हमको आगे बढ़ाओ, कोई जरूरत नहीं है। लेकिन ये जब छूट जाता है, कोई रिश्ता आपका निकल जाता है, कोई भी आपका सबॉर्डिनेट हो, जैसे बिजनेस में कोई बंदा है उसका भांजा भतीजा, इंसान ज्यादातर क्या होता है कि कोई बिजनेस में है, जैसे शहर में आ गया, मान लो कि मैं गाँव से शहर में आ गया और मैंने कोई भी बिजनेस शुरू कर दिया, मान लो मैंने स्टील का बिजनेस शुरू कर दिया छोटा सा, फिर गांव के मेरे रिश्तेदार बोलेंगे, मेरी बहन बोलेगी, दूर की बहन बोलेगी, या मेरा भाई बोलेगा कि भाई मेरे बेटे को तेरे साथ में जोड़ ले भैया, ये कुछ करता नहीं। फिर मेरी वाइफ भी मेरे साथ, जैसे उसको चलो इनका भतीजा है तो मेरा भी बेटा है, या इनका छोटा भाई है तो मेरा बच्चा है, देवर तो वैसे बेटा, फिर उसको पालेगी प्यार से क्योंकि घर पे रहेगा, और फिर वो जाकर के बाद में आपकी बदनामी करेगा और धीरे धीरे पैसे भी जमा करेगा। अपने को पता है कि ये पैसे जमा कर रहा है, करने दो, थोड़ा बहुत काम कर रहा है ना ढंग से, अपना बिजनेस आगे बढ़ रहा है। लक्ष्मी का ये होता है ऑब्जेक्टिव रिजनेबल, मुझे मेरा फायदा देखना है, माइंड योर बिजनेस। लक्ष्मी का अपने तरीके से बढ़ते रहेगा बढ़ते रहेगा, और फिर ये जब जाएगा तब उसको मन लगता है कि यार छोड़ो, यार छोड़ो, मेरे को अभी काम नहीं करना, मुझे अब काम में धंधे में है, मैं जा रहा हूँ लेकिन अब मैं आराम से जाता हूँ, मैं अब ज्यादा टेंशन नहीं लेता, मैं जाकर बैठता हूँ आराम आराम से करता हूँ, जो काम मैं पहले 4 दिन में 1 दिन में करता था अब वो आराम से 4 दिन में अभी दिन चलता हूँ, मैं पहले 100 पेशेंट देखता था मैं अब 50 पेशेंट रोज देखता, 40 पेशेंट देखता, आराम से होगा आराम से जाऊंगा घर, दोपहर को जाके 2 से 3 से 5 मेरा आराम का टाइम है, 3 से 4 का आराम फिर में, लेकिन 4:30-5 बजे आराम से क्लिनिक में होगा। ये क्या है असल में, ये एक स्टेट ऑफ टॉर्पर आप में आ जाता है, स्टेट ऑफ आप में टॉर्पर नहीं कहेंगे, ये क्या कहते हैं उसको, इनर्शिया जैसा आ जाता है, ये स्टेट ऑफ लेजीनेस आप में आ जाता है। तो ये लेजीनेस आफ्टर डिसअपॉइंटमेंट, इसमें भी आपको एस्कुलस मिलेगा और नक्स्वामिका मिलेगा। सिर्फ नक्स्वामिका में फर्क ये रहेगा, जैसे अभी वो रंजीत ने शायद पूछा था कि इसके पहले वाली स्टेट, यस पहले वाली स्टेट ये रहेंगी कि ये बंदा बिजनेस में बहुत स्ट्रांग बढ़ रहा है, ये बंदा एक स्टेट में था जहां से इसने सबको लेकर ऊपर गया है, खुद भी ऊपर आगे बढ़ रहा है, तो ये डिसअपॉइंट होने के बाद में अब ये स्लो होना, यार मैं ज्यादा टेंशन नहीं लेता, समझ गए, अब मैं आराम से खेलता ये वाला, तो ये अपने को लगेगा कि आराम, आप रेस डिजायर में फंस जाओगे, आप क्या कहते हैं उसको, किसी और स्टेट में भी आप चले जा सकते हैं। यहाँ पर मेन ये है, ये डिसअपॉइंट हो गया है, ये डिसअपॉइंट हो गया कि यार मेरे भाई का बच्चा मेरा बच्चा, मेरे बहन का बच्चा मेरा बच्चा, उसने धोखा दो जिया, उसने जो उसके साथ किया, आप एलिमेंट्स फ्रॉम बीइंग डिसीव्ड में भी जा सकते हो, उसमें भी लक्स शायद से होना चाहिए, एलिमेंट्स फ्रॉम डिसीव्ड बीइंग में शायद लक्स नहीं है, उसमें इग्नेशिया है, लक्स भी उसमें, लेकिन उसके और प्रिसाइज स्टेट ये है कि लेजीनेस डिसअपॉइंटमेंट आफ्टर, ये रूब्रिक आपको समझना है। तो एस्कुलस का स्टेट ये है कि लेते हैं और इंडिफरेंट हो जाते हैं, और नक्स्वामिका लेजीनेस में चला जाता है। तो ये एस्कुलस और नक्स्वामिका, मैं इतनी एस्कुलस फिर भी मैं ज्यादा नहीं यूज किया, 15-20 केसेस में यूज किया हूँ इस स्टेट पर, नक्स्वामिका तो मैं आए दिन यूज करता हूँ स्टेट के ऊपर, ओके, और इट हैज नेवर फेल्ड मी, ओके। कई बार आपको केस इग्नेशिया लगेगा क्योंकि वो डिसीट 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 में आप फंसोगे, बट डोंट गो टू इग्नेशिया, यू गिव नक्स्वामिका एज इट इज, नक्स्वामिका इग्नेशिया आर वन फैमिली, ओके। तो मैं पहले से कहता हूं कि नक्स्वामिका इज अ एम्बिशियस इग्नेशिया,
ओके, इग्नेशिया इग्नेशिया व्हेन बिकम्स एम्बिशियस, वेरी एम्बिशियस, यू गिव नक्सोमिका, एंड व्हेन नक्सोमिका goes into that disappointment of love state, goes into that disconcerted state, goes into that tearing clothes state, Naksomika गाली गलौज करने लग जाता है, ऐसा था वैसा था, इतनी गंदी थी ये थी, वो Ignatia में जाएगा. तो an overly emotional Naksomika, you can think of Ignatia. Overly ambitious Ignatia, you can think of Naksomika. Okay? Any questions now? कोई क्वेश्चन हो तो प्लीज प्लीज पूछिए. ये अनुभव के मोती हैं जो मुश्किल से मिलते हैं. नहीं, डिस्करेज से कैसे डिफरेंशिएट करें इसको, डिसअपॉइंटमेंट और डिस्करेज? डिसकंसर्टेड स्टेट वो कंटिन्यूस चलता रहे, सिंपल, और इंडिफरेंस का स्टेट चलता रहा, वो टाइम भी रहता है उस चीज के लिए रहता है. ओके, सिंपल. डिसकंसर्टेड मतलब टोटल लॉस ऑफ कंसर्ट, मतलब कहीं भी रिदम नहीं. डिसकंसर्टेड मतलब क्या ना कि कहीं भी उसमें गाने में वो जो चल रहा है ना, सबकी एकदम तालमेल से सब जो बज रहा है, वो पूरा खत्म हो जाता है, पूरा टोटल. और इंडिफरेंस में क्या रहता है कि वो थोड़ा रहता है कि मुझे फर्क नहीं पड़ रहा है, कोई गाना बजा रहा नहीं बजा रहा, मैं अपना बजाऊ, या मैं नहीं बजा तो बाकी लोग बजाए. डिसकंसर्टेड में दूसरे कुछ और बजा रहे, ये कुछ और बजा रहा है, समझे? तबला कहीं और चल रहा है तो बांसुरी कहीं और चल रही है. इंडिफरेंस में बोलेगा, भाई तेरे को बांसुरी बजा नहीं बजा, मैंने तबला नहीं बजा, समझे? हेलो. हाँ सर, हाँ सर. इंडिफरेंस में म्यूजिक बंद नहीं होगा, एक आधा इंस्ट्रूमेंट बंद हो जाएगा. अब तुमको बजाना है, बजा लो, चलो तुम बजाओ, मैंने नहीं बजा, ये इंडिफरेंस. और डिसकंसर्टेड में तुम बजा रहे हो, मैं दूसरा बजाऊंगा, समझे? अब तुम बोलते ना कि मेरी माइंड मैं उनका फैन, अब उधर तेरी माँ, मेरी माँ नहीं है, चल मेरी तो शूर्पणखा की जैसी रही है मेरे साथ में, ये मेरी माँ नहीं है, समझ गए? होते ना कि पति की बीवी, पति की माँ बोल बोल के लोग बोलते ना कि सासू माँ है, सासू माँ है, करती जाएगी करती जाएगी. लेकिन एक स्टेज में जब सासू माँ को उसको पता चल जाता है, यार ये तो मैं तो इनको माँ समझ रही, ये मेरे को बेटी समझ ही नहीं रही है, ये तो बहू ही समझ रही, बहू ही समझ रही, तब जाके फिर Ignatia जो स्टेज में जाती ना, नाउ यू आर नॉट माई मदर, अब तू मेरी सासू माँ भी नहीं, तू अब मेरी सिर्फ सासू है, तो सासू के आगे का माँ वर्ड भी निकाल देती है वो, दैट इज डिस्टर्ब. और मतलब क्या, सासू माँ है तो क्या हुआ, कर रही काम अपना अपना करे, मैं नहीं करूंगी आपके काम, समझे? आप करो अपना काम, मैंने नहीं करना, मैं जाके सो जाती हूँ, मेरे को अपना भजन करना है, मेरे को अपना एक्सरसाइज जाना है, मेरे को अपना यूट्यूब पर मेरा आर्टिकल. हाँ सर, हेलो जी, सर, हम इसे ऐसे ले सकते हैं कि इंडिफरेंस स्टेज होगा, डिसअपॉइंटमेंट पहला स्टेज होगा, इंडिफरेंस दूसरे जाएगा, उसके बाद डिसकंसर्टेड होगा. आप लोग क्यों इंटेलेक्चुअल बनने की कोशिश करते हो अननेसेसरी, ये स्टेप रहेगा फिर ये जाएगा, ऐसे इसमें आप कैटेगराइज क्यों कर रहे हो? आप हर एक चीज को अलग अलग इंडिविजुअल समझो ना. अमिताभ बच्चन अमिताभ बच्चन है, सलमान जी सलमान जी है, या अक्षय अक्षय है, कि फिर पहले पहली स्टेज में आप शाहरुख बनोगे, या फिर पहले आप अक्षय बनोगे फिर जाके आप ये, ऐसा क्यों? व्हाई यू वांट टू स्टेज इट, क्यों आप ऐसे जा रहे? दोनों अलग अलग हैं, बोथ आर डिफरेंट एंटिटीज. ये मत जाओ टेक्निकल, आप अननेसेसरी थियोरेटिकल क्वेश्चन हाइपोथेटिकल क्वेश्चन मत रेज करो, दोनों स्टेज को समझने की अलग अलग आप ये लाओ ना, तो ये जो बीच में की लाइन है ना, इसको आप समझने की कोशिश करो. जो फाइन जैसे मैं बताया ना कि एंगल ट्रिपल्स और एंगल इजीली, ये देखो, तो पेशेंट बोलता है ना कि ये ऐसे ही गुस्सा करने लग जाता है, फिर बोलने का कौन सी बात नहीं करता है, जरा सा पानी दो, इनको बोला कि एक रोटी बना दे एक्स्ट्रा, तो ये गुस्सा करने लग गई. तो ये हो गया ट्रिपल्स, है ना, कि मैं जैसे खाना खाने बैठ गया, आज दो रोटी की बजाय तीन रोटी खाने का मन कर गया, तो मैं बोला कि भगवान जरा एक रोटी और डाल दो, तो ये गुस्सा करके दो ही खाते हो, क्यों खा रहे हो गेस्ट, ये ट्रिपल. अरे यार एक रोटी बना देने में आपके बाप का क्या जाना, ये ट्रिपल हो गया ना. फॉर द लेडी टू मेक वन मोर चपाती इज नथिंग बिग, ये ट्रिपल हो गया, लेकिन इसको कुछ भी बोलो तो ये गुस्सा करती है. आप इससे बात ही नहीं कर सकते हो, कोई भी बात बोलते गुस्सा कर देती, ये हो गया इजिली, मतलब इसको गुस्सा दिलाना बहुत आसान है. ओके,
समझ गए? ओके सर। थोड़ा सा इसको ध्यान दो बेटा, नहीं तो जिंदगी में आप फिर कंफ्यूज होते जाओगे, ठीक है ना? मैं कोशिश क्या करता हूँ हमेशा सोचने का एक तरीका देने, किस तरीके से एनालिसिस, वो तरीका अगर आप सीख जाओगे ना तो आपको इजी हो जाएगा। जैसे यू कैन नॉट गिव यू फिश, यू कैन टीच यू फिशिंग। एस्कुलस का बहुत अच्छा स्टेट है ये जो आपने बताया, थैंक यू, बहुत अच्छा। गुड इवनिंग सर, व्हाट्स द डिफरेंस बिजनेस अफेयर्स टू एंड business aversion to? See, indifference to business affairs, please remember, affairs of business matlab the things which are things which make it the business, hai na, like things which matter to the business. And aversion to business matlab uska business ka bhi man nahi hota hai, it doesn't like to do business. Aversion to business matlab kya, business aversion to aisa rubric, hai na, hai na? Dekho, ये भी आप याद रखो कि कैसे रूब्रिक का प्राइमरी क्या है सेंटेंस। जैसे ट्रेडिशनल प्रिजुडाइज में रूब्रिक इज प्रिजुडाइज एंड देन ट्रेडिशनल, सो द प्रिजुडाइजेस ऑफ ट्रेडिशन विल मेक द डिफरेंस, ओके। एंड बिजनेस एवर्जन टू में रूब्रिक क्या है, द मेन इज बिजनेस एंड देन एवर्जन, ओके। वेयर एज हियर द रूब्रिक इज इनडिफरेंस टू बिजनेस अफेयर्स, द मेन विल बी इनडिफरेंस, द पेशेंट हैज बिकम इनडिफरेंट नाउ, he doesn't care a shit about anything about the business. Business affairs matlab kya, everything that matters, kya, I'm just telling you beta, everything that matters for the business, okay, is indifferent to business affairs. And aversion to business matlab he will not, matlab aversion to business mein wo business karega, zaruri nahi ki wo business na kare, he will do the business, but I don't like to do business, main sirf chahta hu sir, main karta hu kaam. इंडिफरेंस में क्या आता है ना, आई डोंट केयर अ शिट अबाउट एनीथिंग अबाउट बिजनेस, आई डोंट वांट टू इवन, आई डोंट इवन साइन द चेक नाउ, डू यू अंडरस्टैंड? अपन समझो, सपोजिंग आई एम इन द क्लिनिक, ओके, नाउ आई डोंट वांट टू सिट इन द क्लिनिक, आई एम एट होम, बट स्टिल इफ देयर इज अ कॉल फॉर इमरजेंसी, आई विल टॉक टू द पेशेंट, दो आई डोंट फील लाइक, बट आई विल टॉक टू द पेशेंट, आई विल गिव मेडिसिन, आई एटलीस्ट टेल माई असिस्टेंट कि गिव दिस मेडिसिन और रेफर द पेशेंट टू दिस एंड दिस, okay, this is what, this is aversion, this is aversion to business. And indifference to business matlab I don't care kaun hai, collector hai, mera bhai hai, mujhe kuch lena nahi, mujhe nahi dena hai, unko bol do, khatam karo, this is indifference to business. I don't care log mere bare mein kya bol rahe hai, doctor kaisa hai, kya zara emergency ka bhi phone nahi uthate, this is indifference to business affairs, okay. मतलब मैंने नहीं, बोर्ड नहीं लगाना है, मेरा बोर्ड नहीं लगा हुआ है कुछ फर्क नहीं पड़ता है ना, मेरा बोर्ड फट गया कुछ फर्क नहीं पड़ता है, असिस्टेंट नहीं आ रही कुछ फर्क नहीं पड़ रहा है, मेरी आधी दवाइयां खत्म हो गई है कोई फर्क नहीं पड़ता, दीज आर द अफेयर्स ऑफ बिजनेस, थिंग्स अफेयर मतलब क्या, द थिंग्स विच मैटर, जैसे एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर ना, सो ऑल द थिंग्स दैट मैटर्स, एक्सटर्नल अफेयर्स मतलब क्या, विदेश मंत्रालय ना, तो एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्ट्री के अंदर सिर्फ दो कंट्रीज के बीच की बातें नहीं होती है, अपने देश के जो लोग बाहर के कंट्रीज में गए हुए वो भी बिजनेस, वो भी उसमें आ जाते हैं एक्सटर्नल अफेयर्स के अंदर, सो एवरीथिंग दैट मैटर्स फॉर दैट इज अफेयर्स, ओके। थैंक यू सो मच सर, यू अंडरस्टूड ना बेटा? सर 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 100%, थैंक यू सर, थैंक यू बेटा। सर की खासियत है कि जब वो बस वो जब चालू हो जाता है ना, तो फिर ऐसे ऐसी नॉलेज की बातें उनसे निकलती है ना कि जो बुक्स में भी नहीं मिलती, तो मैं बहुत गौर से सुनता रहता हूँ यार, फिर अब ब्रेक आ जाता है तो फिर वो मस्ती में आ जाते हैं, तो फिर वो किताब बंद कर देता दिमाग के फिर ओरिजिनल मस्ती वाले में आ जाते हैं क्या, वो कुछ सालों के एक्सपीरियंस के बाद एक तो आंख होती है, शुरू में तो हमको आंख होती है, लेकिन कुछ सालों के एक्सपीरियंस के बाद नजर पैदा होती है ना, वो नजर की बात बहुत बड़ी इम्पोर्टेंट होती है, और बड़े बड़े हाँ स्पिरिचुअल लोग कहते हैं कि जब तुम किसी एक चीज पे दीवाने हो जाते हो ना, तो फिर ऐसी ऐसी नॉलेज ऊपर वाला आपको डालता है ना, जो कोई भी किताबों में नहीं मिलेगा, तो मैं इसलिए ऐसे लोगों के संग में रहना पसंद करता। चलिए आप सबको धन्यवाद, और
लियाकत भाई को बहुत बहुत शुक्रिया, मेरी 5-6 महीने की पुरानी फरियाद आज पूरी कर दी और वो भी बहुत अच्छा दिन सुना। थैंक यू भाई, और ऐसे मिलते रहेंगे, अच्छे से पढ़ते रहेंगे और बढ़ते रहेंगे, बढ़ाते रहेंगे। थैंक यू भाई। थैंक यू सर, थैंक यू सर। एक शेयर में एक लिखा था, सब लोगों के लिए काम आ जाएगा, देखो कि तेरे रास्ते में ही मेरा घर पड़ता है, तेरे रास्ते में ही मेरा घर पड़ता है, चंद घड़िया ही सही यू ही आ जाना। क्या बात है, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, ठीक है, मिलते हैं। थैंक यू भाई, थैंक यू भाई, थैंक यू सर, गॉड ब्लेस।